क्यूटी। दोस्तों ये क्यूटी है, वो स्वीटी है, ये देखो हमारा टाइगर। ओए टाइगर टाइगर तो टाइगर बहुत ज्यादा मस्ती करता है यार। टाइगर जो है ना पाँव को पड़ जाता है, वो हमारी चोमू है उधर उस साइड पे, वो डक्स अंदर है भाई, वेट कर रही है। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अपडेट दे देता हूँ मैं आपको, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। जो न्यू पेट हाउस में हम लोग घर बना रहे हैं ना पेट्स के लिए, दोस्तों चोमो भी आ गया और टाइगर भी आ गया इधर। दोस्तों वो देखो टाइगर के काम, टाइगर मारूंगा मैं, ओए टाइगर। दोस्तों टाइगर बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह और बहुत मस्ती करता है ये मेरे साथ। तो इससे पहले कि अंडे तोड़ दें हमारे पेट्स, तो उनको निकाल देते हैं दोस्तों। ओए टाइगर टाइगर देखो टाइगर के काम। दोस्तों ये टाइगर है, वो मेरी चोमो आ गई है, तो इनको मैं रोटी डाल देता हूँ दोस्तों इधर। चलो भाई खाओ, अब खाओ। ये टाइगर आ गया है और चोमो ने अपनी रोटी पकड़ ली है, तो चलो ये टाइगर को भी चोमो को डाल देते हैं। टाइगर और चोमो अभी रोटी खाएंगे दोस्तों। तो मैं अंदर कंडीशन चेक कर लेता हूँ, हमारे जो रैबिट्स हैं उनको मैं देख लेता हूँ कि रैबिट्स की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह रैबिट्स, हाँ कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो रैबिट्स? इसके दोनों बच्चों को भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह काफी जल्दी। वो देखो टाइगर खा रहे हैं ना रोटी, क्यूटी और स्वीटी इनके पास आ गई हैं, तो इनको भी मैं डाल देता हूँ कि ये भी रोटी खा लें दोस्तों दोनों। तो क्यूटी और स्वीटी के भी इंशाल्लाह बच्चे आने वाले हैं दोस्तों, चंद दिनों में पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी दोस्तों उधर बाहर बांध देना है ताकि ये आराम से बैठ जाए धूप में। दोस्तों ये देखो हमारे रैबिट्स और ये देखो हमारी जो है वो बिल्लियां हैं इधर भाई। दोस्तों ये देखो फिल वक्त हमारा रैबिट बाहर आ गया है और ये बिल्ली बैठी हुई है इसके साथ दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि ये क्यूटी जो है ये हमारे रैबिट्स को खाएगी। भाई अंदर 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 घुस जा, अंदर घुस जा, नहीं तो बिल्ली खा जाएगी तुझे। दोस्तों हमारा टाइगर और चोमो जो है वो दोनों माशाल्लाह जो है वो एक ही बर्तन में दूध पी रहे हैं। ये फीमेल है चोमो और ये जो इस साइड पे है ना ब्राउन कलर वाला, ये माशाल्लाह मेल है। इसका नाम टाइगर है, इसका नाम चोमो है फीमेल का। ये निकाली हुई है पूरी ईंटें आप देखो, और इन ईंटों का इस्तेमाल जो सारा दोस्तों माशाल्लाह वो देखें, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपने पेट्स को जो है ना इस साइड पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे दोस्तों। चोमो दोस्तों अभी मैं डेरे पे आया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। ये देखो क्यूटी और स्वीटी और टाइगर को देखो, और हमारी चोमो भी इस साइड पे है। चलो आ जाओ भाई इनको रोटी डाल देते हैं। दोस्तों ये वाला जो आटा है ना, ये देखे आप, ये वाला जो है ना ये मैं लेके आया हूँ अपने। वे क्या हो गया भाई टाइगर देख के। ये दोस्तों ये वाला जो है ना ये मैं लेके आया हूँ अपनी डक्स और हेंस के लिए, क्योंकि अंडे इससे अच्छे एवरेज निकल आती है भाई, अंडे ज्यादा देती हैं डक्स और हेंस। और दूसरा ये जो रोटी है ये मैं अपनी क्विटी और स्वीटी, वो देखो उसने पंजा मारा है उसको, और टाइगर भी है इधर। चलो भाई इनको डाल देते हैं इधर, ये खाएंगे अभी रोटी। ओए ओए वो देखो टाइगर को भी पंजा मारा बिल्ली ने। चलो ये लो दोस्तों, दो दो रोटियां मैंने डाल दी हैं, तो चलो ये खाते रहेंगे। एक और है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं, इसको इस होल में रख देता हूं मैं ताकि ये बाद में बिल्लियां खा लेंगी। जो है वो डक्स को और हेंस को निकालने का टाइम हो गया, ये खाते रहेंगे। और हमारी जो गाय है ना उसने भी ऑलमोस्ट खा लिया सारा चारा दोस्तों, तो ये अभी डालते हैं उनको, पेट्स को निकालते हैं अंदर से, तो ये भी डाल देते हैं दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, चारों तरफ देखें ट्रेल पड़ी हुई है भाई, शबनम जिसको बोलते हैं, शबनम पड़ी हुई है वो देखो दोस्तों। और हमारा ऑलरेडी काम भी चल रहा है, चंद दिनों की बात है बस इंशाल्लाह बाकी कंप्लीट हो जाएगा। चोमो बाहर आ गई है दोस्तों। दोस्तों मैं कितनी भी सफाई करते रहते हैं हम लोग, ये देखें आपको पता है ना आगे मौसम बाहर आने वाला है, तो ये सूखे हुए पत्ते जो है ना ये बहुत ज्यादा दोस्तों गिरते हैं, तो वो उस साइड पे इसलिए सेटअप हम लोग कर रहे हैं कि एकदम सेपरेट और साफ सुथरी जगह हो जाएगी। इधर हम लोग अपने वो गाय और भैंस को भी बांधते हैं ना, तो ये गोबर वगैरह कर देती हैं, तो ये इसलिए कचरा वगैरह ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हमने अलहदा सेपरेट सेटअप बना के रखा हुआ है अपने पेट्स के लिए, तो वो उधर प्रॉपर सेटअप हो जाएगा ना, तो जब तो इनकी जो है वो वीडियोज भी जब आप देखेंगे तो एक क्लीन एरिया आपको नजर आएगा। और टाइगर को देखो, टाइगर आ गया अपनी रोटी खा के पूरी है, तो अभी मैं पेट्स को दोस्तों निकाल लेता हूँ फाइनली। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ टाइगर, चलो भाग जा इधर से। दोस्तों टाइगर को देख के ना हमारे पेट्स बाहर नहीं आ रहे थे। दोस्तों चोमो टाइगर आ रहे यार, वो देखो ये, मुझे लगता है ये टाइगर जो है ना हमला करेगा किसी भी डक पे या हेन पे। वो देखो साथ साथ आ रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने इधर डाल दिया इनको दोस्तों, तो ये खाते रहेंगे, पानी भी है इनके लिए उधर से पी लेंगे। आ आ आ आ, वो देखो टाइगर के काम, टाइगर देख रहा है डक्स को। आ जाओ भाई जल्दी। वो देखो टाइगर के काम देखो। चलो शुक्र है यार आज टाइगर ने हमला नहीं किया, नहीं तो ये आते ही जो है ना डक्स पे हमला कर देता है। ये जो नया वाला है ना ये बहुत ज्यादा होशियार है भाई, मेल है ये और वो चोमो है वो फीमेल है। सही देखो मेरी जो है ना स्वीटी ये बहुत ही फ्रेंडली बिल्ली है यार मेरी। वो देखो टाइगर भाई, ये टाइगर जो है ना और बिल्लियां बहुत ज्यादा लड़ती हैं। और चोमो को देखो, चोमो उनकी फीड खाई जा रही है दोस्तों। चोमो नहीं खाओ। एक अंडा लैला मजनू का पहले भी मिल चुका है हमको, तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि अंडे और हैं या नहीं है, वो अंदर जाके मैं चेक कर लेता हूँ। शायद यार मैं बोल रहा हूँ कि लैला मजनू का एक और अंडा हो जाएगा तो अच्छा है यार। एक अंडा पहले से दिया हुआ है लैला मजनू ने, और अंडे एक ये पड़ा हुआ है अब दोस्तों, एक ये पड़ा हुआ है दोस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, लैला मजनू का दूसरा अंडा आ गया दोस्तों। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, ये जो है ना एक अंडा, आप दोस्तों आप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा अंडा है दोस्तों। ये देखो आप यार, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये दोनों, ये छोटी डक्स के दो अंडे हैं और ये बड़े वो लैला मजनू का ये एक अंडा। देखो आप कितना बड़ा अंडा है यार दोस्तों। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो देखे जो बड़े वाले पेयर है ना वो लैला मजनू, ये उनका अंडा है ये दोस्तों, ये वाला, ये देखो तो बड़े वाला पेयर है हमारा डक्स का माशाल्लाह। चलो यार अच्छी बात है, इनको भी जमा कर देते हैं दोस्तों। उधर अंदर मैंने रखा हुआ है एक कीस, उसमें तूड़ी डाल के रखी हुई है, तो उसमें ये पूरा बंद कर देते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों रैबिट्स जो हैं वो हमारे बाकी हैं बस, वो ये डब्बे में हैं। तो बिल्लियां इधर हैं, वो देखे रोटी खा रही हैं दोस्तों, तो रिस्क नहीं ले सकते इसीलिए डब्बे में बंद करके रखा हुआ है दोस्तों। तो इंशाल्लाह जो है डब्बा खोलेंगे और अपने रैबिट्स को भी जो है वो फीड डाल देते हैं। ये देखो टाइगर आ गया, बिल्ली ने मारा ना पंजा टाइगर को। जी तो दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं, इधर दोस्तों जो है वो हमारी रैबिट है और उसके बच्चियां दोस्तों माशाल्लाह, वो देखें एक बच्चा इसके साथ बैठा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह चुटकू, वह चुटकू दोस्तों बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह बच्चे भी। ये उनकी मामा है और ये जो है दोनों इसके चिक्स हैं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो अभी चारा डाल देते हैं दोस्तों जल्दी से इनको, केज को जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो वह चलो 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 खाओ खाओ इधर, तो इधर से जो है ना वो उठा उठा के इधर दोस्तों डालते जाते हैं, मजे से खाएंगे हमारे पेट्स। चलो भाई एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो, इनको दोस्तों बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। तो अभी दोस्तों ये जो रैबिट्स है ना ये बहुत अच्छे से जो है ना वो घास खाते हैं दोस्तों, तो कुतरा हुआ घास तो इनको और भी ज्यादा मजा देता है क्योंकि इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती दोस्तों। ये देखो छोटे छोटे दो क्यूट बेबीज हैं और उनकी मामा, माशाल्लाह ये बड़े होते जा रहे हैं। जब प्रॉपर दोस्तों सेटअप बन जाएगा ना बाहर, तो दोस्तों हम लोग और भी जो है वो रैबिट्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। इनका बहुत अच्छा जो है वो पेयर सिस्टम होगा इंशाल्लाह, बहुत ही हसीन जो है वो रैबिट्स और भी इनमें ऐड करेंगे। चलो भाई वे चुटकू, चलो दोस्तों बंद कर दिया है, तो इनके वजह से भाई बंद करना पड़ता है, नहीं तो ये रैबिट्स को खा जाते हैं। ये तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। एक चीज तो मैं दोस्तों आपको बताना ही भूल गया, हमारा जो सेटअप बन रहा है ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारा सेटअप जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक तमीर हो गया है। तो दोस्तों ये देखें आप, हमारे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरुआत की है
चार खुडों से एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो दोस्तों ये दरवाजे जो हैं वो हम लोगों ने बना के रख लिए हैं, मैंने खुद बनाया अपने हाथ से। दोस्तों मार्केट गया था वो 2000 रुपये एक डोर बनाने का ले रहा था, तो दोस्तों मैंने खुद जो है वो लकड़ी खरीदी और मशीन मेरे पास पड़ी हुई थी, तो खुद मैंने मेहनत की, दो दिन में ये सब बन गया।